पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस सर पे आधा पौना छप्पर है तो क्या खुद पे पहली ना इतना यकीन मुझको हो पाया लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है बस रहना तेरे नाल वे जुरी है रहना तू पल एक बात कहूँ तुझसे तू पास है जो तुझसे हर एक सांस सीने से तेरे सांस दोस्तों नमस्कार। आखिरकार इस सीन ने सन्नी देओल की याद दिलाई दी। आखिरकार बेटा तो सन्नी देओल का ही है। यही वो अंदाज है जिसे लोग पसंद करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि 20 तारीख को पल पल दिल के पास सन्नी देओल के बेटे करण देओल की फिल्म रिलीज हो चुकी है, जिसमें मेन हीरो के रोल में करण देओल है और शहर बांबा है, जिन केमिस्ट्री स्क्रीन के ऊपर जबरदस्त लग रही है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये फिल्म पहले दिन का कलेक्शन कितना कर पाई और दूसरे दिन का कलेक्शन कितना पर कर पाई, क्या ये फिल्म सुपर हिट हुई है या बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। साथ में ये भी बताने वाला हूं कि इस फिल्म के दिन दो फिल्में और रिलीज हुई थी, कौन कौन सी फिल्में थी और उन फिल्मों का क्या असर पड़ा, क्या वाकई में सन्नी देओल की झलक फिल्म में देखने को मिली या ये फिल्म सन्नी देओल ने क्यों चुनी। खास है इस वीडियो में, आप इस वीडियो को देखते रहिएगा और देखते रहिएगा करण देओल की पल पल दिल के पास। मैं आपको इसमें ट्रेलर दिखाया, आपको कैसा लगा ट्रेलर आप इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर हमें लिख करके बताइएगा। और यदि अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी तो जल्दी करिए, इस संडे को आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा अपनी फैमिली के साथ। ये पूरी तरीके से फैमिली फिल्म है और गजब की फिल्म है। कितना कलेक्शन किया इस फिल्म ने पहले दिन और दूसरे दिन, मैं टोटल आपको बताने वाला हूँ और इस फिल्म की कुल लागत कितनी थी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को नीचे लाल रंग के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जी हाँ, यही वो सीन है जिसके लिए सन्नी देओल को देखने के लिए थिएटर में लाइन लग जाती थी और यही वो सीन करण देओल ने निभाया है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि आखिर पापा के कदमों के निशान पर तो जरूर चलना पड़ेगा। करण देओल को यदि पब्लिक को खींच रहे हैं तो ये जरूर चिल्लाने वाला सीन लोगों को पसंद आया और थोड़ी सी मैंने आपको दिखाई है इसमें किस तरीके से करण देओल की एक्टिंग है, क्या म्यूजिक है और किस तरह से करण देओल ने डायलॉग डिलीवरी की है, तो गजब की है भाई, गजब की है। आप मत भूलिएगा, जाइएगा थिएटर में। और 20 तारीख को ये रिलीज हो चुकी है और आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन पहले दिन की कमाई मैं आपको बता देता हूँ कि 3,60,00,000 रुपये है और दूसरे दिन की कमाई 4,20,00,000 रुपए है। तो ये कमाई वैसे तो देखा जाए तो उस टाइम जिस तरीके से देखा जा रहा था कि सन्नी देओल के फैंस भी है, धर्मेंद्र पाजी के फैंस भी है, बॉबी देओल के फैंस भी है, अभय देओल के फैंस भी और उसी का ये तीसरा खानदानी चिराग की ये पहली फिल्म है तो पब्लिक की लाइन लग जाएगी। मगर इस तरह से हुआ नहीं जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी ओपनिंग अच्छी मिलने की। पहले और दूसरे दिन का कलेक्शन थोड़ा कम जरूर रहा मगर ये रोजाना बढ़ेगा, क्योंकि पहले दिन 20 तारीख को दो फिल्में रिलीज हुई थी, संजय दत्त की पश्चानम और जोया अख्तर। तो ये दो फिल्म ने भी थोड़ा सा असर जरूर डाला है मगर फिर भी इन दोनों के बेहतर कलेक्शन से ज़्यादा बेहतर कलेक्शन है पल पल दिल के पास का और ये कलेक्शन गजब का है। अभी ये दिन बढ़ेगा, कलेक्शन बढ़ेगा और हम आपको बता देते हैं कि इस फिल्म को बनाने का खर्च
40 करोड़ रुपये आया। 40 करोड़ रुपये यदि ये फिल्म पहले सप्ताह में कवर कर लेती है तो समझ लीजिए कि ये फिल्म हिट हो गई, और यदि 65 करोड़ रुपये कर लेती है तो सुपर हिट हो गई, और यदि 100 करोड़ के क्लब में चली जाएगी तो ये ब्लॉकबस्टर फिल्म हो जाएगी। मगर ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही है कि ये 100 करोड़ की मेज चली जा सकती है, ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी ओपनिंग हुई है वो कोई खास नहीं है। जो उम्मीद सन्नी देओल को थी, जो उम्मीद धर्मपाल जी को थी, और जो ये देखकर बनाई जा रही थी कि हाँ इन्हीं सभी के फैंस करण देओल की इस फिल्म को देखने के लिए जरूर आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर फिर भी उम्मीद अभी भी कोशिश की जा रही है, अभी भी उम्मीद बचा कर रखी हुई है, क्योंकि अभी संडे है और अब में 3 फिल्म के अंदर दर्शक बढ़ चुके हैं, मगर जो भी फिल्म अच्छी होगी वो जरूर उभर कर आती है। 2-3 दिन में इसका कलेक्शन उम्मीद है कि ये अपने 40 करोड़ रुपये तो 1 सप्ताह के अंदर जरूर कर लेगी। मगर देखने वाली बात है, यदि आप फैमिली के साथ देखोगे तो बड़ी गजब की फिल्म है और बहुत ही अच्छी आपको रेस्पॉन्स मिलेगा परिवार के साथ इस फिल्म को देखने का। कोई पहली इस तरह की बड़े दिनों बाद फैमिली फिल्म आई है जिसको आप एक साथ अपने बच्चों के साथ बैठकर देख सकते हो, तो गजब की फिल्म है, आप चिंता मत कीजिएगा। कुछ लोगों ने जरूर इस फिल्म को फ्लॉप कराने की कोशिश की है, मगर ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी कहानी अच्छी, जिसकी एक्टिंग अच्छी और जिसका नाम के पीछे इतने बड़े नाम हो तो वो फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती। तो दोस्तों आप जाकर के देखिएगा इस फिल्म को जरूर अपने परिवार के साथ। तो टोटल कलेक्शन अब तक 2 दिन का 7 करोड़ 80 लाख रुपये हो चुका है, मगर अभी भी 40 करोड़ के पास 1 सप्ताह में पहुँचना, देखते हैं कि 1 सप्ताह में कवर कर पाएगी या 3 दिन में कवर कर पाएगी, अब देखना है। संडे के कलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे उम्मीद की जा रही है कि संडे को हाउसफुल रहेंगे, और पंजाब में तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। ऑल इंडिया की हम बात करें तो 1500 स्क्रीन प्ले के साथ ये रिलीज़ की गई थी और ऑल इंडिया में ये चल रही है। थोड़े से स्क्रीन भी कम मिली है, मगर उम्मीद की जा रही है कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ आने वाले 1 सप्ताह में करेगी, क्योंकि इसमें करण देओल की एक्टिंग की सराहना की जा रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कुछ बात हो, कुछ कहना हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।